सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। दिस इज डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन GNCT ऑफ दिल्ली वर्कशीट नंबर 19 एंड इट इज ओनली फॉर क्लास 6 स्टूडेंट्स। It has taken from the subject social science history and the book name is Our Past Part 1. In this worksheet, we'll learn and understand chapter number 7, New Questions and Ideas. And in this chapter, we'll also learn the story of Buddha. So, मुझे ये लगता है कि आप में से बहुत सारे students, many of the students, ये जानते हैं कि बुद्ध कौन है। अगर नहीं भी जानते तो ये जो पिक्चर आपके सामने दे रखी है, दिस पिक्चर, ये तो आपने ज़रूर ही कहीं ना कहीं ज़रूर देखी होगी। हो सकता है कोई ऐसी स्टैचू आपने देखी होगी। तो ही इज़ बुद्ध। आखिर ये बुद्ध कौन थे, ये महात्मा बुद्ध कैसे बने? सो लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी। सिद्धार्थ, ऑल्सो नोन एज गौतम, वॉज द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म। तो देखिए हमें क्या समझ में आया कि बुद्धिज्म को शुरू करने वाले कौन थे? सिद्धार्थ, जिनको हम गौतम के नाम से भी जानते हैं, और फिर बाद में ये महात्मा बुद्ध के नाम से जाने जाने लगे। एंड वील कॉल हिम महात्मा बुद्ध। ही वॉज बॉर्न अबाउट 2500 ईयर्स अगो। उनका जन्म 2500 साल पहले हुआ था। When he was young man, he left the comforts of his home in search of knowledge. जब वो बिल्कुल यंग मैन थे, तभी उन्होंने अपने घर के सारे सुख सुविधा कंफर्ट्स को छोड़ के नॉलेज की सर्च में, ज्ञान की खोज में वो अपने घर से निकल गए। उन्होंने अपना घर छोड़ दिया। एंड आपको पता है, ही इज़ अ प्रिंस। चाहते तो वो सारे के सारे कंफर्ट्स जो एक प्रिंस को मिलते हैं, किंग को मिलते हैं, वो ले सकते थे, बट उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो इन सर्च ऑफ नॉलेज ही लेफ्ट हिज होम। ही वॉन्डर्ड फॉर सेवरल ईयर्स। वो अनेक वर्षों तक घूमते रहे, भ्रमण करते रहे। ही मेडिटेटेड फॉर डेज ऑन अंडर अ पीपल ट्री एट बोध गया इन बिहार, वेयर ही अटेंड एनलाइटमेंट। देखिए, उन्होंने बोधगया, जो कि बिहार में एक प्लेस है, उस वहाँ पर एक पीपल ट्री के नीचे बहुत दिनों तक ध्यान लगाया, साधना की। मेडिटेटेड मतलब उन्होंने साधना की, जहाँ पर फिर एक दिन उन्हें वो ज्ञान मिला। आफ्टर दैट ही वॉज नोन एज द बुद्धा और वाइज वन। और इसके बाद से ही हम उनको बुद्ध के नाम से जानते हैं। ही देन वेंट टू सारनाथ नियर वाराणसी। तो देखिए, वाराणसी के पास एक प्लेस है सारनाथ, वो फिर वहाँ गए, वेयर ही टॉट फॉर द फर्स्ट टाइम, और जहाँ पर उन्होंने सबसे पहली अपनी शिक्षा दी, अपना पहला सबसे पहला उपदेश दिया। ही स्पेंट द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ टीचिंग पीपल टिल ही पास्ड अवे एट कुशीनारा। देखिए, फिर आगे उत्तर प्रदेश में एक जगह का नाम है कुशीनारा, जहाँ पर अपनी मृत्यु से पहले तक वो लोगों को उपदेश देते रहे, और उन्होंने अपना पूरा बाकी का पूरा जीवन लोगों को शिक्षा देने में, उपदेश देने में लगाए रखा, ताकि जो लोगों की लाइफ है वो एक सेटल लाइफ हो जाए, एक अच्छी लाइफ हो जाए। द बुद्धा टॉट दैट लाइफ इज फुल ऑफ सफरिंग एंड अनहैप्पीनेस। तो उन्होंने ये समझाया, उन्होंने ये शिक्षा दी कि जो लाइफ है वो दुखों से भरी हुई है, बहुत ज़्यादा इसमें पीड़ा है, कष्ट है। दिस इज़ कॉज्ड बिकॉज वी हैव क्रेविंग्स एंड डिज़ायर्स। ये सब किसके कारण है? हमारी क्रेविंग्स, हमारी इच्छाओं, और हमारी जो क्रेविंग्स मतलब लालसा होती है, लालच के कारण, इच्छाओं और लालच के कारण ऐसा होता है। ही टॉट दैट दिस कॉन्स्टेंट क्रेविंग कुड बी रिमूव्ड बाय फॉलोइंग मॉडरेशन इन एवरीथिंग। और ये उन्होंने ये समझाया भी कि ये लगातार जो हमारी लालसाएं बढ़ती रहती हैं ना, ये ही हमारे जीवन को में बदलाव का कारण भी होती है, हमारे जीवन को दुखों से भरने का कारण होती है। ही ऑल्सो टॉट
पीपल टू बी काइंड एंड टू रिस्पेक्ट द लाइव्स ऑफ अदर्स इंक्लूडिंग एनिमल्स। तो उन्होंने ये भी समझाया कि हम सब लोगों को दूसरे लोगों के प्रति दयालु होना चाहिए, यहाँ तक कि जानवरों के प्रति भी हमें दयालु होना चाहिए। द बुद्धा टॉट इन द लैंग्वेज ऑफ ऑर्डनरी पीपल प्राकृत। उन्होंने जो लोगों की जो एक सामान्य भाषा थी, आम भाषा, प्राकृत भाषा में ही अपनी सारी टीचिंग्स, अपने सारे उपदेश उन्होंने दिए। ऐसा उन्होंने क्यों किया? सो दैट एवरीबॉडी कुड अंडरस्टैंड हिज मैसेज, ताकि सारे के सारे लोग उनकी भाषा को, उनके उपदेशों को आसानी से समझ पाएँ। सो अब आपने समझा कि कैसे उनका जन्म हुआ, कहाँ हुआ, उससे पहले वो किस नाम से जाने जाते थे, फिर वो कैसे महात्मा बुद्ध बने और उन्होंने क्या क्या टीचिंग्स हमें सिखाई। सो लेट्स मूव ऑन आर क्वेश्चन आंसर सेक्शन। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। सो क्वेश्चन नंबर वन इज वेयर डिड बुद्धा टीच फॉर द फर्स्ट टाइम, यानी बुद्धा ने कहाँ पर अपना उपदेश सबसे पहले दिया था। तो बुद्धा टॉट फॉर द फर्स्ट टाइम इन सारनाथ नियर वाराणसी। तो वाराणसी के निकट सारनाथ में उन्होंने सबसे पहले अपनी बातों को बताया था। क्वेश्चन नंबर टू इज व्हाई डिड बुद्धा टीच इन प्राकृत लैंग्वेज, उन्होंने प्राकृत लैंग्वेज में ही अपनी सारी टीचिंग्स क्यों दी। द बुद्धा टॉट इन द लैंग्वेज ऑफ द ऑर्डनरी पीपल प्राकृत, सो दैट एवरीबॉडी कुड अंडरस्टैंड हिज मैसेज, इसलिए ताकि सब लोग उनके जो भी टीचिंग्स हैं उनको आराम से समझ पाएँ। एंड द थर्ड वन इज विच टीचिंग ऑफ बुद्धा यू वुड लाइक टू फॉलो एंड वाई। तो इसमें आपका आंसर अलग भी हो सकता है, क्योंकि इसमें ये पूछा गया है कि आप बुद्धा की कौन सी टीचिंग को फॉलो करेंगे और क्यों करेंगे, उसका पालन अपनी ज़िंदगी में क्यों करेंगे, क्यों उसको अपनाएंगे। तो आंसर इज एंड माय सजेशन इज आई वुड लाइक टू अडॉप्ट द प्रीचिंग ऑफ गेटिंग रिड ऑफ डिज़ायर्स बाय अडॉप्टिंग सेल्फ रेस्ट्रेंट इन आर लाइफ, बिकॉज आर डिज़ायर्स एंड क्रेविंग्स आर द कॉज ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स। इफ द मोर वी डिज़ायर द मोर आर ग्रीड गेट्स इंक्रीज्ड। यानी इसका मतलब है कि मैं बुद्धा की इस टीचिंग को अपनाऊंगा कि हमें आत्मसंयम अपनाकर ये जितनी भी लालसाएं हैं, जितनी भी हमारे जो इच्छाएं हैं, उनसे हम मुक्ति पा सकते हैं। क्योंकि जितनी ज़्यादा हम इच्छाएं करते हैं उतना ही ज़्यादा हमारा लालच बढ़ता जाता है, और ये इच्छाएँ और ये जो क्रेविंग्स और डिज़ायर्स हैं यही सभी प्रॉब्लम्स का कॉज है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अगर आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ पढ़ते रहिए। एंड इफ़ यू वॉन्ट टू प्रोटेक्ट फ्रॉम कोरोना वायरस देन प्लीज़ वियर अ मास्क, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। थैंक यू वेरी मच।